दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। दोस्तों एम्बुलेंस गाड़ियों को सभी जानते हैं क्योंकि सभी को कभी न कभी इस गाड़ी की जरूरत पड़ी है। सभी एम्बुलेंस गाड़ियों की पहचान गाड़ी में लाल बत्ती या नीली बत्ती और सायरन बजने से ही हो जाती है, लेकिन तेजी से बजता इसका सायरन और रंगों से सजा होना ही इसकी पहचान नहीं होती, बल्कि इस पर एम्बुलेंस भी इसकी खास पहचान होती है। एम्बुलेंस गाड़ी को सभी गाड़ियों से अलग दिखाने के पीछे मकसद बिल्कुल साफ होता है। इस गाड़ी के अलग दिखने से लोग इसे जल्दी पहचान ले और इसे आगे जाने के लिए जगह दे सके। लेकिन आपने गौर किया हो कि सभी एम्बुलेंस गाड़ियों के आगे की तरफ एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है और जो सभी गाड़ियों से अलग होता है। बहुत कम लोगों को इसके पीछे की वजह पता होती है। अगर आप भी नहीं जानते हो तो आज आप भी जान जाएंगे, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। और अगर आप ज्ञान स्टेशन YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों एम्बुलेंस गाड़ियों में उल्टा एम्बुलेंस लिखने की वजह भी इसकी पहचान है, लेकिन ये सिर्फ आगे चल रहे वाहन के लिए लिखा जाता है। चूंकि जब आप किसी भी गाड़ी के कांच से पीछे चल रही गाड़ी को देखते हैं तो उन पर लिखे शब्द आपको उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस में पहले ही एम्बुलेंस उल्टा लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे चल रहे वाहन को ये शब्द सीधा दिखाई देता है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस गाड़ी में उल्टा एम्बुलेंस आगे चल रहे वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है, जिससे वो आसानी से पढ़ सके और एम्बुलेंस को आगे जाने के लिए साइड दे सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो पाने के लिए ज्ञान स्टेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।